हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने लैपटॉप को बंद कैसे कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपने पीसी पे हैं और यहाँ पे हमें जो है सीखना है कि हम अपने लैपटॉप को शट डाउन कैसे कर सकते हैं, बंद कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इसे दो तरीकों से बंद कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपका विंडोज 10 है तो इधर नीचे ये जो विंडो का आइकन दिख रहा है, सबसे पहले तो अगर आपने कोई प्रोग्राम खोला हुआ है तो सबसे पहले उसे बंद कर दीजिए। अगर यहाँ पे टास्क बार पे कुछ भी खुला हुआ है तो उसे पहले बंद कर दीजिए, उसे पहले कट करके उसे बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर जो विंडो का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक पावर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पावर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में यहाँ पे आपके सामने शट डाउन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। बस आपको इस शट डाउन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एक बार। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो पीसी है वो शट डाउन हो जाएगा, मतलब वो बंद होना शुरू हो जाएगा और अपने आप ही बंद हो जाएगा। पहला तो ये तरीका है। एक और तरीका है, आपको अपने कीबोर्ड पे सबसे पहले तो एक बार आपको कंट्रोल प्लस कंट्रोल दबाना है कीबोर्ड में और उसके साथ साथ F5 को प्रेस करना है ऊपर में। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पीसी है वो रिफ्रेश हो जाएगा। आप सिर्फ F5 को भी प्रेस कर सकते हैं, इससे आपका जो पीसी है वो रिफ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद आपको कीबोर्ड पे ALT करके होगा एक Alt, उसको दबा के रखना है और साथ ही साथ F4 होगा ऊपर में, उसको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे इस तरह से एक पॉपअप विंडो आ जाएगा आपके सामने और यहाँ पे शट डाउन जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। आपको बस एक बार एंटर को प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे या फिर यहाँ से ओके कर देंगे, अब यहाँ पे जैसे हम ओके करेंगे हमारा जो पीसी है वो शट डाउन होना शुरू हो जाएगा और अपने आप ही बंद हो जाएगा। और यही प्रोसेस है अपने जो लैपटॉप है उसे बंद करने का। तो इसी तरीके से आप जो है अपने लैपटॉप को बंद कर सकते हैं।